जबरदस्त। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। तो जनाब, हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनकी ख़ास फरमाइश पे आपके लिए लेकर आई हूँ मैं नो बेक चीज़ केक, ओरियो चीज़ केक। तो इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर चुकी हूँ, क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो लिए हैं जनाब हमने यहाँ ओरियो बिस्किट्स, उनको हमने क्रश कर लेना है चॉपर में डाल के, या आप ज़िपलॉक बैग में डाल के उसकी कुटाई लगा सकते हैं अच्छे से उनको चॉप करने के लिए। तो बिस्किट लिए हैं हमने यहाँ, अनसॉल्टेड बटर लिया है। जब आपने इसको क्रश करना है तो थोड़ा सा जो है वो निकाल के रख लेना है अलग से। जब हमारा केक रेडी हो जाएगा तो हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। मेल्टेड बटर डाल देना है आपने, जो आपने बिस्किट क्रश किए हैं उसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पैन में आपने इसकी एक लेयर लगा देनी है और ऊपर से आपने इसको अच्छे से दबा देना है ताकि वो बिखरे ना। अगर आपके पास केक पैन नहीं है तो आप इसे जैसे हम डिज़र्ट्स वगैरह बनाते हैं तो डिशेस में भी आप इसे रेडी कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। तो हमने एक लेयर लगा ली है इसकी। अब हम चलते हैं जनाब इसकी क्रीम की तरफ। तो यहाँ लिया है मैंने क्रीम चीज़, और टेट्रा पैक में जो थिक क्रीम आती है वो यूज़ कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ जो टिन पैक आती है क्रीम आप वो यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स किया है। इसमें डाली है हमने जेलेटिन पाउडर, डाल दिया है हमने इसमें एक साशे। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड बीटर जो होता है या विस्क होता है, आप उसकी मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मतलब बस इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी क्रीम्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जेलेटिन पाउडर जो है वो मिक्स हो जाए, अदरवाइज़ वो अगर अच्छे से मिक्स ना हो तो उसके लम्स बन जाते हैं इसमें। तो बिस्किट जो है वो हमने इसमें क्रश करके डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसको पैन में डाल देंगे। जो आपने बिस्किट की लेयर लगाई है उसको आपने अच्छे से प्रेस करना है, अदरवाइज़ अगर आप केक बना रहे हैं तो जब आप उसकी पीसेस कट करेंगे तो वो नीचे जो बिस्किट है वो बिखर जाएगा और अच्छे से केक की शेप जो है वो कट नहीं होगी। बस आपने क्रीम चीज़ जो है जो मिक्स की है वो इसमें लगा के इसको ओवरनाइट के लिए आप फ्रिज में रख दें, या फिर कम अज़ कम 6 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख के भूल जाएँ। तो देखिए जी, ऑलमोस्ट केक हमारा रेडी है। इसको हम रख देंगे 6 घंटे के लिए फ्रिज में और हम इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सेम प्रोसीजर आपने करना है जो 3 क्रीम्स आपने ली थी, क्रीम चीज़ है, टेट्रा पैक की क्रीम है और टिन पैक है एक। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करके पाउडर शुगर जो है, आइसिंग शुगर जिसे कहा जाता है,
वो डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्रीम चीज़ के साथ आप बहुत सारे डिज़र्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक इसी तरह आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। क्रीम का जो मिक्सचर है वो हमने एक पाइपिन बैग ले लिया है, इसमें डाल देंगे हम इसको। मकसद इसको शेप देना नहीं है, मकसद ये है कि हमने जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे वो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में हम रखते हैं कप्स वगैरह, वो थे मेरे पास तो मैंने कहा क्यों ना उसमें अच्छे से सर्व किया जाए। बेटे को बहुत पसंद आती हैं इस तरह की चीज़ें, तो मेरे पास अक्सर पड़ी होती हैं। अक्सर स्कूल वगैरह में इसकी पार्टी हो या शेयरिंग डे हो तो इस तरह से मैं स्कूल के लिए भी इसी तरह भेजती हूँ। तो ये देखिए मिनी कप्स हैं, पार्टी कप्स हैं हमारे पास। इनमें हमने लगाई है जी ओरियो की लेयर। ओरियो पे हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क। मिल्क इसलिए डालते हैं ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। जो ग्लूकोज बिस्किट हैं इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि ये थोड़े से क्रिस्पी सा फ्लेवर देते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं। ज़रूरी नहीं है क्रीम आपको पाइपिंग बैग में डालनी है, आप स्पून की हेल्प से भी इसको इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ लिए हैं मैंने ओरियो बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट, अगर आप चाहें तो आप चॉकलेट केक, वनीला केक भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी केक ले सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं क्रीम में कोई फ्लेवर ऐड करना तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरी, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से बच्चे जो हैं ना वो चीज़ बड़े शौक से खाते हैं। तो बस आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है मैंने कि आप इस तरह से भी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बच्चों के लिए बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्लासेस में भी आप सर्व कर सकते हैं इनको, अगर आपके गेस्ट वगैरह आए हैं तो आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। मिनी ग्लास जो होते हैं या डिज़र्ट्स के जो कप्स होते हैं उनमें इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें इनकी लेयर्स लगा के सर्व कर सकते हैं। आप इसमें कस्टर्ड डाल सकते हैं, आप इसमें जेली डाल सकते हैं। तो बस ये एक छोटा सा आइडिया था जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर नहीं तो आप एक बड़े पैन में इसी तरह लेयर्स लगा के बिस्किट्स की या केक की या कस्टर्ड की, तो आप बड़े पैन में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमारे मिनी कप्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आई एम श्योर कि आपके घर वाले, आपके गेस्ट अगर ये एक दफ़ा खाएंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। ये देखने में जितने मज़े का लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े का है। तो चलिए जनाब आपको दिखाते हैं हमारे साहबजादे का रिएक्शन। जी वाह मामा, ये क्या है? बहुत मजे का है। किसने बनाया? मामा। और किसने? जबरदस्त। तो जनाब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और यो चीज केक, नो बेक चीज़ केक रेडी है।
तो चलते हैं और आपको इसको गार्निशिंग करके कट करके दिखाते हैं। पैन ओपन करने से पहले आपने इसकी साइड्स जो हैं वो नाइफ की हेल्प से क्लियर कर लेनी है ताकि इजीली केक जो है उसे हम निकाल सकें। तो ये देखिए, इसको हमने क्लियर किया है और बिल्कुल स्मूथली हमने केक को निकाल लिया है। जी जनाब, तो देख सकते हैं आप कितने मज़े का केक जो है वो सेट हो गया है। तो चलते हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ। हमने जो बिस्किट्स अलग किए थे क्रश किए हुए, वो आप लगा सकते हैं इसकी साइड्स पे और ऊपर सेट कर सकते हैं आप इसके मिनी ओरियो। अगर दूसरे वाले हैं, मिनी ओरियो नहीं है आपके पास, तो आप जो दूसरे बड़े वाले साइज़ में होते हैं वो भी सेट कर सकते हैं आप इसके ऊपर। अदरवाइज़ जिस तरह मैं कर रही हूँ, साइड्स पे आपने लगा दिए ओरियो बिस्किट्स और ऊपर आपने क्रश किया हुआ जो उसका पाउडर था बिस्किट्स का, वो डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से गार्निशिंग कर सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उन सारी चीज़ों के साथ। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। पीनट बटर का जो क्रंची पीनट्स होती हैं, पीनट बटर होता है, वो भी इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। आगे चल के वो भी रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे हम। तो लीजिए जनाब, हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है गार्निशिंग के साथ। तो उम्मीद है आपको सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आगे रिएक्शन देखते जाइएगा। आगे चलते हैं और आपको कट करके भी दिखाते हैं। आई विश कि मैं आपको टेस्ट करवा सकती हूँ कि ये कितने मज़े का केक बना है। एनीवे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त।
अमेजिंग, बहुत मजे का बनाया है साईं बाबा। सुपर्ब।